नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकले के साथ खाई जाने वाली हरी हरी चटनी, और हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहें प्लीज़। चटनी के लिए यहाँ हमने लिया है कुछ हरा धनिया, मूंगफली के दाने, मिर्च एक और ये नमक। अब हम इन सभी सामान को सिलबट्टे पर पीस लेंगे, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट अलग ही आता है, मिक्सी की पिसी हुई चटनी का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आइए चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। अब हम चटनी पीस लेते हैं। इसमें बीच में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर लेंगे और फिर से पीसेंगे। चटनी लगभग तैयार है। अब हम इसमें खास इंग्रेडिएंट ढोकले के छोटे छोटे दो तीन पीस लेंगे। चटनी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, आपको गाढ़ी खानी है या थोड़ी सी पतली करनी है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप बीच में थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसकी थिकनेस देखिए और इसका टेस्ट अमेजिंग है, चटपटा सा एकदम और बहुत ही अच्छा और चटपटा। इसको आप ढोकले के साथ भी खा सकते हैं, और आप ज़्यादा बना के रखेंगे तो आप सर्दियों में पुलाव बनता रहता है, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, पराठे किसी के भी साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।